दिन प्रतिदिन लोगों को महंगाई का मार सहना पड़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर खाद्य तेल के दामों में उछाल देखने को मिल रही है। लोगों के बीच यह उम्मीद थी कि तेलों के दामों को त्योहार को देखते हुए बढ़ाया गया है और जब त्योहार खत्म हो जाएंगे तो तेल के दामों में भी गिरावट कर दी जाएगी, पर अब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनके उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा दाम कम करने के बजाय और भी बढ़ोतरी की जा रही है। बता दें कि सरसों तेल, सोया रिफाइंड और पाम रिफाइंड की तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका असर सीधे आम लोगों के जेब पर पड़ने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तेल में सर्वाधिक तेजी से बढ़ोतरी की गई है उसमें पाम रिफाइंड तेल शामिल है। इसकी कीमत में 15 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अन्य खाद्य तेल जैसे सरसों तेल या सोया रिफाइंड में 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिल रहा है। तेलों के दाम बढ़ने से लोगों के घरेलू बजट में भी अंतर देखने को मिल सकता है। बताते चले कि पहले जिस सरसों तेल का दाम 150 से 175 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, वहीं अब इसके दामों को बढ़ाकर 160 रुपए से 185 रुपए कर दिए गए हैं। सोया रिफाइंड का भाव पहले जहां 140 से 150 रुपए प्रति लीटर था, वहीं अब इसके दामों को बढ़ाकर 150 से 160 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए हैं। इसके अलावा जिस तेल के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, पाम रिफाइंड, उसके दाम पहले 105 रुपए लीटर थे, जिसे अब बढ़ाकर 120 रुपए लीटर कर दिए गए हैं। यानी कि इस तेल में पूरे 15 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहे होंगे कि आखिर सरकार के द्वारा खाद्य तेलों के दामों में बढ़ोतरी क्यों की जा रही है, वो भी तब जब सारे त्योहार खत्म हो गए हो और अब त्योहारों के लिए तेल की मांगे भी घट गई है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जानकारी के अनुसार बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश तलरेजा के द्वारा बताया गया है कि बेमौसम बारिश होने की वजह से तिलहन फसलों को नुकसान पहुंच गया है। वहीं यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष सरसों और सोयाबीन का पैदावार कम हुआ है, जिसके बाद विदेशी बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही स्टॉक सीमा हटने पर भी असर बाजार पर पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खाद्य तेलों के मामले में भारत विदेशी बाजारों पर भी 60 से 65% तक निर्भर रहता है। बताते चले कि तेल के दामों में इजाफा किए जाने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि प्रत्येक घरों में प्रति माह का बजट 100 से 150 रुपए तक बढ़ सकता है। इससे अब लोगों की परेशानी घटने के बजाय केवल बढ़ने ही वाली है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि खाद्य तेलों में आगे भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि लोगों को कब इस महंगाई से राहत मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।